कमाल होने वाला, धमाल होने वाला है। उसके बाद पप्पू खन्ना सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खूबसूरती से, बहुत ही खूबसूरत आपने एक कारनामा किया है। और गुलाम फरीद साहब ने अच्छा गाना बना ले, अगर उसको प्रमोट प्रॉपर नहीं किया है, प्रमोशन नहीं किया गया, तो गाना अपने आप ही दब जाता है। अगर इस गाने को अच्छे ढंग से प्रमोट किया, प्रमोशन किया, मैं समझता हूँ कि इस साल का बहुत बड़ा गाना बनेगा। और लड़का लड़की बहुत सुंदर लगे, लोकेशन बहुत अच्छा लगा, तो गाना भी बहुत ही प्यारा बना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी कैसा लगा? वो ऐसा लग रहा है तीसरी बार और देखना चाहिए। बहरहाल बहुत खूबसूरत गाना बना है, और मेरी मतलब दोनों के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, संगीता जी और हमारे उनका नाम जो है अमन कुमार, दोनों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि गाना सुपर डुपर हिट हो और लोग उसकी रील्स बनाए, वायरल, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। और मैं भी कोशिश करूँगा, मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मैं उसके ज़रिए से इस गाने को प्रमोट करने की कोशिश करूँगा। और बहुत कुछ नया है उसमें, मतलब करने के, मतलब जो एज ए फोटोग्राफी जो उसकी कोरियोग्राफी हुई है, बहुत ही सिंपल और अच्छे अंदाज में उन्होंने उस गाने को प्रेजेंट किया है, तो उसके लिए मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। पहली बार तो आया था जब मैं यहाँ देखने के लिए, मेरे पास ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। तब मैंने कहा कि लक्ष्मी जी बुला रहे हैं, चलो उनको खुश करने के लिए आ जाओ। लेकिन जब मैंने गाना देखा तो एक्चुअली आई वाज लिटरली वेरी मच यू नो लाइक, ऐसा भी होता है कि यार दे आर डन सच अ फैंटास्टिक सॉन्ग, एंड आर्टिस्टों ने भी काम किया अच्छा, डीओपी ने भी काम अच्छा किया, कोरियोग्राफर भी अच्छा किया, एंड स्पेशली सिंगर जो है बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन, मज़ा आ गया सुन। आई फील दैट कि इज अ ग्रेट चांस फॉर द न्यू आर्टिस्ट नाउ। इसे पहले सिवाय फिल्म के अलावा कुछ होता नहीं था, नाउ देयर इज अ ग्रेट चांस फॉर न्यू आर्टिस्ट लाइक वेब सीरीज हैज कम, ओटीटी हैज कम। मुझे लगता है कि ऑल्सो द सिनेमा इज ऑल्सो ग्रोइंग, बेटर सिनेमा, बेटर कंटेंट, मोर बेटर देन द बिफोर। पहले सिर्फ एक एक्शन फिल्म होती थी, पहले आर्टिस्ट होता था, स्टार होगा तो ही हम फिल्म बेच सकते थे, ना स्टार की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंटेंट इज बिकम द सब्जेक्ट। तो आई एम वेरी हैप्पी स्पेशली फॉर द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना, ऑल द आर्टिस्ट, आई एम ऑल्सो फ्रॉम देयर, हु आर कमिंग एंड हु आर ऑलरेडी देयर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम, दे आर वेरी बिजी, एंड बिकॉज वी हैव बीन प्रॉपरली एजुकेटेड इन सिनेमा, एंड आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग वेरी गुड जॉब, एंड दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज वेरी गुड, एंड आई फील दैट बी ग्रेट सक्सेस फॉर दैट सॉन्ग। थैंक यू। इस तरह से पहले ये जमाना नहीं था कि एल्बम का जमाना नहीं था, ये गाना हो जोर से जोर जो एल्बम का दौर है, आज आप क्या कहेंगे, किस तरह का ये बदलाव आया? नहीं, जोर से बोली, क्या बोला, क्वेश्चन क्या था? पहले एल्बम का जमाना नहीं था, जो भी गाना बनता था फिल्म का गाना होता था, और आप एल्बम बन रहे, गाना बन रहे, अलग से गाना बन रहे, जिसकी कंपनी अलग अलग बोल रहे, मतलब ये जो जमाना बदले, जो आपका टाइम का जमाना आज का जमाना, कितना अंतर देख रहे हैं? नहीं, पहले ऐसा हम लोगों को एल्बम एल्बम के बारे में कुछ पता नहीं होता था, अभी एल्बम शुरू हुआ है, बट आई ओनली फील दैट कि जो एल्बम लोग प्रोड्यूसर इतनी मेहनत करके बनाता है, इतना खर्चा करता है, इतना म्यूजिक भी करता है, आई ओनली होप दैट ही रिकवर्स द मनी एंड मेक सम प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट बनाना शुरू करे प्रोड्यूसर तो देर बी मोर एल्बम्स, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नेचुरली एल्बम्स बनना कम हो जाएंगे, बिकॉज व्हेन यू स्पेंड मनी यू शुड एबल टू सेल इट एंड मेक मनी, अ मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। I hope that all the people who are making albums, they should, the music companies should buy it and they should pay them. I heard that they pay very less, very less, and sometimes they don't pay only. That's very bad. फिल्म इंडस्ट्री में सर बहुत सारे फिल्म जब बनते हैं, गाना बनते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, 100-200 लोग उसमें काम करते हैं, लेकिन जब ये इसका जो बॉयकॉट जब आता है कि बॉयकॉट करो फिल्म को और इस फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए, ये रीज़न है, वो रीज़न है, ये जो बॉयकॉट का दौर अभी जो नया ट्रेंड हुआ, इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली सी, कोई भी आदमी मेहनत करके फिल्म बनाता है और वो तुम्हारा काम नहीं, बॉयकॉट करो या ना बॉयकॉट करो, डेट इज़ नॉट द जॉब ऑफ एनी ऑडियंस और एनी पब्लिक।
इट इज़ अ जॉब ऑफ अ सेंसर सर्टिफिकेट. सेंसर इज देयर, द फिल्म सेंसर बोर्ड इज देयर. उनको ऐसा कुछ लगेगा तो उनका काम है करना. अगर वो अगर कर रहे हैं उनका काम, तो फिर वाई आर यू इंटरफेयरिंग इन दैट. देयर इज ऑल एजेंसीज आर इन इंडिया. हर चीज़ का एक एजेंसी होती है. दैट एजेंसी इज गिवन टू सेंसर, सेंसर बोर्ड. सो लेट द सेंसर बोर्ड डिसाइड कि भाई ये गलत है, ये नहीं है. यहाँ पे तो यह है कि एक एक गांव में, एक एक शहर में एक एक आदमी कहता है, जो बन नहीं आता वो कहता है कि यार बॉयकॉट करो. अरे वो आर यू टू बॉयकॉट? इफ देयर समथिंग रॉन्ग और समथिंग इज, सेंसर विल डिसाइड. द सेंसर इज ऑल्सो बिलोंग टू गवर्नमेंट, दे शुड डिसाइड. एंड हु आर यू टू डिसाइड कि ये लाल अच्छा है, पीला अच्छा है, हरा अच्छा है? दिस इज नॉट योर जॉब. लेट देम, देयर इज अ इलेक्टेड गवर्नमेंट हु इज डूइंग देयर जॉब. Let them do respective jobs. Everybody has their own department to do. And boycotting here, कोई भी एक मोहल्ले में खड़ा होकर, ग्रुप खड़ा होकर कह दिया बॉयकॉट करो, ऐसा नहीं है. बिकॉज फिल्म बनाने में एक तो पैसा लगता है, फिर जान लगती है, मेहनत लगती है. उसमें एक आदमी हीरो का चक्कर नहीं है, उसके अंदर कई 500,000-2,000 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है. आर्टिस्टों का, टेक्नीशियन का, स्पॉट बॉयज का, स्टूडियो वालों का, देर सो ह्यूज बिग ग्रुप. सडनली पैसे एक बॉयकॉट मीन्स वॉट? इट नॉट अ जोक, समथिंग ऐसा रखा कोई मजाक हो रहा है. तो लेट द सेंसर डू द जॉब. सर लास्ट सवाल है कि पठान फिल्म के बारे में आप नेपाल गए, पोखरा गए, अभी तो आपको एक गाना दिखाया, ऐसे 5 गाने करके हम लोग काठमांडू भी गए, उधर भी करके आए. मगर बढ़िया लोकेशन मिला, टाइम मिला, हो गया. बहुत अच्छे गाना, दोनों आर्टिस्ट ने बहुत कॉपरेट किए. और संगीता मैम तो पहले से करते आ रही, मेरे साथ बहुत गाने किए. आज वापस एक नया हम लोग ने कुछ करने की कोशिश की है, अभी ऑडियंस को पसंद आया. लेकिन संगीता को जिस तरह से आपने मास्टर को भगाया, रेत में भगाया, एक जगह मैं छोटा सा छोड़ देगा, शायद तो गिर गई. वो नेचुरल गिर भी गई थी, भागते भागते गिर भी गए थे, अनइवन जगह था, मगर शॉट चाहिए थे. वैसे पल्लू लेके भागना पीछे, वो हाँ उसको स्लो मोशन, मतलब काफ़ी अप डाउन था. मगर तब गाना पहले दिए, उसका कॉन्सेप्ट बनाते ना हम लोग, पहला गाना देते उसका कॉन्सेप्ट बनाते कि ये रेगिस्तान चाहिए, जैसा कोई रेगिस्तान चाहिए, क्या लोकेशन चाहिए, गाने का क्या डिमांड करता है, वो उसके हिसाब से. असल में हमने इसके लिए बहुत बड़े सोचा था कि जैसलमेर ऐसा बड़ा लोकेशन, मगर वहाँ वैसा मिला, बहुत बढ़िया हो गया उधर. दर्शक अभी उनको आजकल की जनरेशन देखे, लाइक करे, हम लोग को खुशी मिलेगी, हम लोग का कम बैक वापिस आएगा. बस यही है, सब रिक्वेस्ट है, देखो लाइक करो, बस यही है. थैंक यू, थैंक यू. लेकिन ये पहला मैंने गाना आपका देखा, रिली अलग टेक में है, आप क्या कहेंगे? जैसे कि हम लोगों ने जो अपने चैनल पे इसको रिलीज किया, एसटी सीरीज हमारा जो चैनल है, हम लोगों का मकसद ही ये है कि अभी हमने जो गाना पिछला किया उससे कुछ अलग हट के गाना लाया जाए. तो इसीलिए हम लोग जो गाने का सिलेक्शन है उसको बहुत ही बारीकी से तय करते हैं, और म्यूज़िक और उसके लिरिक्स और जो सिंगर होंगे उसका भी चयन बहुत ही बारीकी से करते, ताकि लोगों के दिलों में घुस जाए, बस वहाँ से निकले नहीं. इसीलिए हम लोग इस तरह के गाने सिलेक्ट करते हैं. आपने बहुत सारे गाने जी, लेकिन इस गाने में पप्पू ने आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया? जैसे कि हम लोगों की ट्यूनिंग काफ़ी सालों से बहुत अच्छी है, और ही इज़ लाइक माई फादर. तो इनका जो गाइडेंस होता है वो बहुत ही प्यार से बोल देते हैं कि देख बेटा ऐसा करना, ऐसा करना. वो पूरी छूट देते हैं कि हाँ ये कैमरा है, ये एंगल है, और इसमें ऐसा करना है. तो बस कोई मतलब टेंशन ही नहीं होता है, बस वो लाइन के साथ हम लोग बहते चले जाते हैं. मैं एक सवाल पप्पू जी को पूछा था जी, वो आपके लिए पूछा था. लेकिन मुझे उन्होंने इतना भगाया, इतना भगाया, दिन भर गाने में बोले इधर से भागना है, उधर से भागना है, मैं भागती रही पूरे दिन भर. तो इसलिए ऊंचा नीचा पत्थर, हाँ बहुत ऊंचा नीचा पत्थर था, वो पहाड़ी भी था, रेत है ना सर, रेत में भागने के लिए इंसान को अगर थोड़ा भी भागे तो समझ में आता है, दुपट्टा भी संभालना है, आपका लहंगा भी संभालना है, और भाग इधर से भाग उधर से भाग, वो पूरा भाग मिलकर भाग हो गए थे इधर दुपट्टा लेकर सर.
बट अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। और हमारे जो सिंगर है जो अभी नहीं रहे उनके याद में हम लोगों ने आज यहाँ पर 10 मिनट का जो उनको याद भी किया, और सॉन्ग इतना अच्छा उन्होंने गाया है गुलाम फरीद साबरी जी ने, जो इमोशंस जो उसमें है ना वो एकदम अपने अंदर से ही आता है, उसको फील अगर हमने किया तो वो इमोशन अपने आप ही आता है। और उन्होंने बोला कि ये गाना जो है इसमें कोई वर्डिंग्स आपको लाइन गानी नहीं, जस्ट फील करना है, और वो जो मैं तो तेरे संग रहूंगी फिर सिर्फ तेरे अंग लगूंगी, तो इसको जस्ट आपको एक्सप्रेशन में ही आपको व्यक्त करना है, तो आप कैसे करोगे। तो इन्होंने अपना कैमरा एंगल तो फिट कर दिया, और फिर इन्होंने बोला कि बस इतना मूविंग है आपके लिए, इतना फिट है, ये जो है क्लोजअप इतना करना है। तो मैंने उसको फील किया और फिर उसको किया, तो मतलब इनके साथ काम करना फ्रीडम जो मिलता है ना आपको, तो अपने आप ही सारी चीज़ें बाहर आती हैं। तो सर सर सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि मतलब मुझे ऐसा लगा, फील ही नहीं हुआ कि ये मतलब बहुत बड़े ऐसे कोरियोग्राफर हैं, लेकिन है बहुत बड़े, और वहाँ पे बिल्कुल जस्ट लाइक एक फैमिली, इन्होंने इस तरह हम लोग के साथ ट्रीट किया और हम लोग को बताया समझाया कि आप इसको ऐसे करो और ऐसे करो और बहुत अच्छा होगा। हम सेम जैसा बताए वो ऐसे ही उसे हम करते गए और उस चीज़ को बखूबी निभाते गए, बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ मतलब कि हम खुश नसीब बहुत है कि अपने फरीद साहब से मतलब उनके उनके गाने को हम किए, सबसे बड़ी खुश नसीबी हमारी ये है सर। सर आपने म्यूजिक डायरेक्शन किया, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा एसटी सीरीज कंपनी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये हमारा 9th सॉन्ग है, मतलब हमने 9 गाने अभी रिकॉर्ड किए हैं, शूट भी हो गए, जिसमें 2 पहले सुपरहिट चल चुके हैं, अभी हमारा 3rd सॉन्ग रिलीज हुआ आज केसरिया, उसके बाद 6-7 गाने और जो अभी शूट हो गए वो भी आने, वो भी अलग अलग मूड के हैं, हर 15 दिन जिसके टाइटल सर और इधर है इसके अमीरन ओ माय वलमा इंगवा एंड दिस मेरे यार, इसके टाइटल और काफी अच्छे हैं, जैसे इंगवा पप्पू ने पप्पी ले ली है ना, और ये मन बड़ा ही नीचे हो जाओ तुम मेरी। तो जब हमने गाना केसरिया जब प्लानिंग किया था, तो उस वक्त फरीद साबरी साहब जो बहुत ही मतलब लीजेंड सिंगर है और आज इस दुनिया में वो नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग हमें आज भी हमारे साथ में है, और उन्होंने बहुत ब्लेस किया, उनका लास्ट गाना था ये, अभी उनका ये लास्ट गाना अभी आएगा, इसका तो उन्होंने कोई गाना गाया नहीं, उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी हम लोगों की, बच्चे लक्ष्मी तुम्हारा बेटा जैसे बड़ी गाना सुपर हीरो का, आज उनकी आत्मा हम लोग को सबको ब्लेसिंग दे रही है, और मैं ये 2 लाइन की सुनाना चाहूँगा। केसरिया रंग मोहे रंग दे अब तो मोहे तू संग दे, अब तो मोहे तू संग दे। थैंक यू सो मच। और मैं अपने जो 2 सॉन्ग के डायरेक्टर हैं उनको भी बुलाना चाहूँगी, साहिल खान जी जी आइए, साहिल खान जी आइए आइए। ओ माय बल माय गवा इन्होंने किया यार, आइए आइए आप इधर आइए। हाँ सर, गा सर अगर गाते तो सिंगर नहीं होते। और एक गाना और इन्होंने किया हुआ है मेरे यार। सबसे पहले तो आप सब लोग का धन्यवाद जो आप लोग उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, और आप सबके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये सारी चीज़ें जो भी हैं, हमारा जो चैनल है एसटी सीरीज जिसके लिए आज हमने इतना सारा चीज़ें हो रहा है, उसको सब लोग सब्सक्राइब कर लें और सारे बेल्स आइकॉन लाइक करें उसे। और ये गाने हम लोगों ने बहुत ही मेहनत से शूट किया, बनारस, नेपाल, पोखरा, काठमांडू, मुस्तांग, और सर का तो जवाब नहीं, मज़ा आ गया हम लोग का, और मैम की एक्टिंग को क्या कहें, तो मज़ा आया, और सब लोग
क्या कहेंगे आगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अभी रिलीज हुआ है, 5:15 बजे ऑन एयर आ गया, ये गाने रिलीज हो गए हैं और आप लोग इसको वॉच करें और प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच सर। आइए दृगेश जी, आइए कुछ दो शब्द, चंद शब्द। इट इज मेस्मराइजिंग, जिस ढंग से वहाँ पर आप जैसे वशीभूत हो जाते हैं, आपको लगता है कि कैनवास और आपके बीच में और कोई नहीं है, बगल वाला कोई रोके टोके नहीं, हम उसी में डूबे हैं और डूबे ही रहे, उस दुनिया से बाहर आने का मन नहीं करता। बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन है, गाने की आवाज़ जो है फाकिरी साहब ने गाया हुआ है, शबीर फाकिरी साहब ने बहुत सुंदर गाया हुआ है, एंड I wish to extend my heartiest good wishes to the director of this film, for music director of this film, Mr. Pappu Khanna ji. अच्छा पप्पू खन्ना साहब, मैं गलत क्रेडिट दे रहा था, म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण साहब को। म्यूजिक को, ये गाने को वैसे भी देव वाणी कहा जाता है, ईश्वर की वाणी कहा जाता है, और ये सचमुच जैसे ही आपके कानों में जाता है, इतना कर्णप्रिय म्यूजिक, इतना मधुर म्यूजिक, इतना सुंदर म्यूजिक, दिल को एकदम सीधा छू जाता है। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस फिल्म एसटी सीरीज के बैनर पे इस फिल्म के हीरो अमन कुमार जी को और इस फिल्म की हीरोइन संगीता तिवारी जी को। वाकई आप दोनों इमोशंस तो जैसे तैरते हैं चेहरे पर, आईज आर स्पीकिंग ऑल, आपका भी बहुत बढ़िया रहा, सारे लोग दबे एकदम नेचुरल लगता है, ऐसा लगता है कि मतलब ये किया नहीं जा रहा है, बस सहज है, हो जा रहा है। बहुत बहुत बधाई एसटी। और एक बात और साथियों, जाते जाते किसी भी काम के लिए पूरी की पूरी टीम बधाई की पात्र होती है, और इस ये इतना सुंदर जो गाना बना है उसमें किसी एक को क्रेडिट देना बहुत बड़ी बेमानी होगी, क्योंकि एक बार एक शासक ने पुराने समय में किसी योगी को बुलाया और कहा कि महाराज हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, तो योगी ने ये कहा जो है कि हमारा सम्मान आप कैसे कर सकते हैं, तो उसने समझाया कि जैसे एक रथ है, रथ में से अगर घोड़े निकाल लेंगे तो उसको आप रथ कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। आप डंडे निकाल देंगे रथ कहेंगे क्या? पहिए निकाल देंगे रथ रहेगा क्या? रथ के लिए तो सारे लोग एकत्र जब साथ में आएंगे तभी वो रथ होगा। साथियों, पूरी की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। आज का जो प्रोग्राम हुआ एल्बम का, संगीता जी का और अमन जी का सांवरिया, बहुत बढ़िया गाना है। अच्छा सॉरी सर, केसरिया बहुत बढ़िया, अच्छा सॉन्ग था, बहुत बढ़िया गाना लगा मुझे, और मैं देख के तो बहुत खुश हो गया, और एक गाना आगे बहुत चलेगा, और हमारी महाराष्ट्र मार्केट के 2.5 लाख कस्टमर है, ये पूरे सब देखेंगे गाने। आपका नाम और कंपनी का नाम? जी जी, तो बेसिकली शर्मा जी, अच्छा लगा मैं गाना, और मेरे बेस्ट विशेज है दोनों आर्टिस्टों से, बहुत अच्छा गाना है, बहुत आगे जाएगा। साथ में एक इनिशिएटिव हमने भी लिया सबीर भाई के कारण, कि हमारे जितने भी LED स्क्रीन्स लगी हैं लोकल ट्रेन में, सब में ये गाने को हम ब्रॉडकास्ट करेंगे, सब में इसमें प्रमोशन करेंगे। तो जी, वो नॉट ओनली मुंबई, कलकत्ता एंड बेंगलोर में भी करेंगे, और साथ साथ में हमारा जो टैप रिकॉर्ड है, हम एक दिन में 1 करोड़ लोगों को टैप करते हैं, तो आप सोचिए कि गाने का रीच कितना होने वाला है आगे। आपके लिए क्या बात है। मैं चाहूंगा पप्पू खन्ना जी कहाँ है? पप्पू खन्ना आपकी वाइफ को लेके आइए सर। क्या बात है, ये लीजिए। वाह, सो नाइस, ब्यूटीफुल। पप्पू खन्ना भाभी जी का है, भाभी जी आए, बुला बुला आप। थैंक यू सो मच, बहुत प्यार। हमारे एक्टर अमन कुमार को, अमन कुमार को हमारे एक्टर को, हमारे डायरेक्टर को,
हमारे डायरेक्टर को थैंक यू। साहिल खान डायरेक्टर कहाँ है सर? जो हाजिर है वो वजीर और मेरा बहुत जिगरी दोस्त अमरजीत बहुत चिड़चिड़ा है आज। मैं चाहूंगा कि उसको भगवान देख के शांत करूं। बोलते मेरा नाम नहीं लेते मेरे, मैं अलाउंसर थोड़ी था। एक बार जोरदार ताली हमारे म्यूजिक डायरेक्टर के लिए। क्या बात है पप्पू, पप्पू अमरजीत। जी मैं ओके बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है जिसको अमन ने और मैंने बहुत प्यार से इसको पिक्चराइज किया है। मैं चाहूँगी कि पूरी ऑडियंस इसको देखे और सभी लोग हमारे जो सिंगर है जिनकी ये लास्ट सॉन्ग का फरीश साबरी जी उनका ये सॉन्ग है तो उनको डेडिकेट हमने किया है। तो मैं चाहूँगी कि ये सॉन्ग सभी के दिलो दिमाग पर छाया जाए और इस सॉन्ग को सुपर सुपर हिट करा दीजिए। हाँ और ऑलरेडी ये 7 सॉन्ग हमने अभी रिलीज किया है और हर 15 दिन में एक सॉन्ग आपको देखने को मिलेगा और वापस अगले भी अभी 2 महीने बाद वापस हम 7 सॉन्ग करने जा रहे हैं वापस। एसटी अपने एसटी से एसटी के दोनों आप लोग फिक्स हो गए, बाकी और भी कलाकार आएंगे जाएंगे, बाकी हम लोग मिलके काम करते हैं। इस सॉन्ग की बात है तो इसके लोकेशन कहां-कहां है? इसके लोकेशन हमने बैरावा है, बुटवल है, पोखरा है और पालपा है, रानी महल है, काठमांडू है, कितने सारे लोकेशन है सर? गोरखपुर में भी किया है हमने, गोरखपुर में और किया, काफी सारे नाम है तो इसकी बात तो होना ही होना ही है सर। चंदा इन द सेंस अगर हमारा डिस्कशन होता था तो जस्ट फॉर काम को अच्छा करने के लिए। और कैसे अच्छा कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं ऐसा बस दैट इट। तो क्या करेंगे बाबूजी को क्या करेंगे? वही लास्ट मैसेज आप ऑडियंस से देंगे इस सवाल के माध्यम से? अरे रुकना यार, हाँ जी जी पूछिए क्या। पप्पू खन्ना जी के साथ में मैंने काफ़ी काम किया है और उनके साथ में मेरा एक जो बॉन्डिंग है वो एक लाइक अ फादर एंड डॉटर वाला है और हमेशा उनको मैंने वही स्थान दिया है। तो उनके साथ में अगर मैंने कभी भी कुछ भी शेयर किया तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझा करके मुझे गाइडेंस करके अपनी चीज़ों को कन्विंस करवाते थे। तो हम लोगों ने जब सॉन्ग भी किया तो वो जस्ट बता देती थी कि ऐसा ऐसा है और उस चीज़ को मैं बहुत जल्दी से समझ जाती थी। इनफैक्ट अभी अमन कुमार भी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं उनको और काम बहुत ईजी हो जाता है। किस तरह की ट्रेनिंग हुआ आप दोनों का? हम दोनों की जो केमिस्ट्री है वो ऑफ कैमरा लड़ाई झगड़े वाली है और ऑन कैमरा तो जो डायरेक्टर की डिमांड होती है सर बोलेंगे वो करते हैं। हाँ गाने के लिए कभी बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल अगर जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूजिक है ऐसा सॉन्ग उसमें हम लोग रिहर्सल करते हैं, बाकी जो ऐसे इमोशंस वाले हैं तो वो इमोशंस ऑन द स्पॉट आपको देना पड़ता है। बहुत ठंड वाला माइनस डिग्री में हमने शूट किया और वहाँ पे जहाँ पे शूट हुआ सर वहाँ पे जाना नॉट पॉसिबल। फिर जाके फिर वापस वो जो जाने का वे है आने जाने एक का और सॉन्ग है जो हम अभी बाद में लाएंगे उसका तो मैं बताऊंगी। वो ऐसा एक्सपीरियंस था ना कि मतलब मुश्किल से कोई वहाँ पे उस लोकेशन पे पहुँच सकता था, मीन्स एकदम पूरे पहाड़ी वाला रास्ता क्रॉस करके नीचे जाना था, पूरा शूटिंग करना था झरने में पहाड़ों में पत्थरों में, फिर उसके बाद वापस पैकअप के बाद वापस अपने डेस्टिनेशन पे जाना था। तो मतलब फर्स्ट डे में ही मेरी पूरी हालत हो गई थी, इन लोग सब डरे हुए थे कि सेकंड डे हम लोग शूट कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन बाय गॉड ग्रेस उनकी हिम्मत उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। डिग्री में भी शूट किया है, 2 डिग्री में शूट किया है। बहुत ही अच्छा वाला प्यारा वाला एक्सपीरियंस रहा ये सब। थैंक यू थैंक यू।